नेहा, ये लो जलाओ इसको। तो नेहा भी जलाने जा रही है, 6 साल हमारे पूरे हो चुके हैं। तो ये 6 साल जो है, 6 साल वाला हमारा जल चुका है। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा जय श्री राम, और आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, हमारा जो चैनल है ओनली सर्वेंद्र, इसको हो चुके हैं पूरे 6 साल पूरे, और साथ में आज हमारा 2 साल पूरा हो रहा है हमारे मैरिज ब्यूरो को। आज हमने एक रखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ओनली सर वीरेंद्र, और एक और लिखा है यहाँ पे BGM। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे BGM क्या है, वीरेंद्र गिरी मैट्रिमनी, इसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। देखिए, आज हमारे चैनल को हो चुके हैं 6 वर्ष पूरे, NOS कंसल्टेशन चैनल जो कि मैंने स्टार्ट किया था, और आज हमारे साथ जो कुछ लोग हैं, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भावेश तमोली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए सेलिब्रेशन में। रंजीत, आपका धन्यवाद। भाई हमारे डॉक्टर साहब है, इन्हीं का क्लिनिक है, और इनके साथ जो है अभी हम इनके क्लिनिक में हैं अभी इस टाइम, आपका भी धन्यवाद। और नेहा है, स्टूडेंट्स है, और आप ब्रिजेश। देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो बहुत मेरा साथ दिया, 6 वर्ष से हमारे साथ हैं, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो केक है हमारा, ये केक भी आज कटने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं NOS की। आज से 6 साल पहले जब मैंने इस बात को देखा कि NOS के अंदर क्या है कि स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी है, आपको कोई जानकारी चाहिए, आप रीजनल सेंटर जाएंगे वो भी बहुत दूर है, और आप हेडक्वार्टर जाते हैं तो वो भी बहुत दूर है। अब ऐसे में आपको जानकारी चाहिए प्रॉपर, आप वहां पहुंचने के बाद भी आप सोचते हैं कि सारी जानकारी एक बार में मिले, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, वो जानकारी एक बार में आपको नहीं मिल पाती है। अब कुछ जानकारी छूट गया, दोबारा जाओ, जो नजदीक है वो जा सकते हैं, लेकिन जो दूर है वो कैसे जाएंगे। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या उनके लिए हो जाती है जो इंडिया से बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है, आप दुबई में हैं, कनाडा में हैं, इस तरह से अलग अलग कंट्री में है, तो वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या हो गई कि इंडिया से आपको ट्रांसक्रिप्ट बनवाना है, अप्लाई करना है, तो ये काम कैसे होगा। क्योंकि अब यहाँ पे नॉलेज के लिए बात करेंगे, NOS का टोल फ्री नंबर है, जो भी है आप सोचेंगे मिला लें, तो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ पाते, सारी बातें आप जानते हैं। तो मेरा मकसद था उस टाइम, मैंने चीजों को देखा, तो मेरा मकसद था कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम सॉल्व हो, यानी घर बैठे जो जानकारी आपको मिले, सॉल्यूशन मिले, इसके लिए कंसल्टेशन सर्विस हमने आपके लिए चालू किया। मेरा मकसद व्यूज बिल्कुल भी नहीं था, ना आज है, आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, और जो करते आ रहा हूं। आज देश से लेके विदेश तक बहुत सारे ऐसे आज हमारे मेंबर हैं जो आप लोग मुझसे जुड़े, और इन सालों के बीच में आप हमारे साथ बने रहे, और आपने हमें मौका दिया कि हम आपके काम आ सके, जिसके लिए आप लोगों का फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे एक बात समझना है कि मैंने आपके लोगों के लिए इंडिया का फर्स्ट NOS मेंबरशिप चैनल स्टार्ट किया था, जिसका मकसद था कि आप लोगों के लिए प्रॉपर सही जानकारी आप लोगों के लिए इकट्ठी की जाए। मैंने आपको बार बार समझाया कि ऑनलाइन अप्लाई मत करिए, क्यों मना करता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन का बेटर है। क्यों बेटर है अभी समझाऊंगा, आप जरा समझिए। अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इनका नाम अर्श है, इनको 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, ट्रांसक्रिप्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ऑफलाइन में क्या होता है, जब ऑफलाइन अप्लाई करते हो तो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके डायरेक्ट काउंटर पे जाता है, उसका रजिस्टर मेंटेन होता है, उसकी एंट्री होती है, और वो काम जो वहां पे बैठे हुए हैं स्टाफ, तो उनका काम ही है इन चीजों को, डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके आगे उस प्रोसेस को बढ़ाए। कि कंसल्टेशन सर्विस है, आप घर बैठे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरीके से आप कर रहे हैं सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आप विदेश में, चाहे आपके ट्रांसक्रिप्ट है, चाहे वेरिफिकेशन का मैटर है, चाहे एडमिशन है, ये सब काम है करना, किसका काम है, हेडक्वार्टर का, ये उनके पावर में है। आपको अगर कुछ चाहिए तो केवल एक नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, जो जानकारी आपको कंसल्टेशन के माध्यम से मिल जाती है। तो आप लोगों का फिर से वीडियो में मैं बार बार धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से मेरे साथ बने रहे, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको किस तरीके से धन्यवाद कहूं। अब यहां पे बात कर लेते हैं दूसरी बात, जो मैरिज ब्यूरो मैंने क्यों स्टार्ट किया। 2 साल पहले मैंने मैरिज ब्यूरो स्टार्ट किया है, और हमारा मैरिज ब्यूरो भारत सरकार के अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आप लोग अभी तक इंतजार कर रहे हो कि इसके जलाने का, तो चलिए सबसे पहले नया
ये लो जलाओ इसको। तो नेहा भी जलाने जा रही है, 6 साल हमारे पूरे हो चुके हैं। तो ये 6 साल जो है, 6 साल वाला हमारा जल चुका है। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, और अभी जो है केक काट लेते हैं। सबसे पहले आपको ही दिया जाएगा। तो ये जो केक है, ये सबसे पहले हमारे आप उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है, आपके लिए है। तो ये आपके लिए है मेरी तरफ से। आप लोग मेरे साथ बने रहे हैं, कमेंट करिए आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को। खिलाना भी होता है, हमें भी खिलाओगे तो मैं खाएंगे। हमारे भावे जी राजस्थान से हैं। अच्छा, मीठा कम खाते हैं भावे जी, हमें खिला दीजिए। ये हमारे नेहा के लिए। हेलो, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, और आप लोग हमारे पास आए एक क्लिनिक में, हम इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पिछली बार मैंने कहा किया था, बिहार में था मैं, अपने गांव में था, मुखिया जी के ऑफिस में सेलिब्रेट किया था। ठीक, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट करिए। आप सभी लोग मेरे साथ एक बार हाथ जोड़ के बोलिए जय श्री राम।